हार्दिक के छक्के ने जिताया मैच, भारत ने लिया पाकिस्तान से बदला। हार्दिक की शानदार पारी। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान से साल 2021 T20 विश्व कप में हार का बदला लेते हुए 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में सबसे बेहतर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के चलते इस मुकाबले को आसानी से टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। आपको बता दें कि रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 2 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट से शिकस्त दे दी, जिसमें हार्दिक पांड्या ने नाबाद 17 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली। जब भारतीय टीम का पूरा टॉप ऑर्डर बिखरता हुआ नजर आया, तब हार्दिक पांड्या ने लगातार टीम इंडिया के लिए संभलकर बल्लेबाजी की, साथ ही साथ उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को एक अच्छा फिनिश करके दिया। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई और इसी साझेदारी के चलते टीम इंडिया के खाते में आज बड़ी जीत आई। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी कमाल करते नजर आए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 3 विकेट लेते हुए टीम इंडिया को शानदार गेंदबाजी कराने में मदद की। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 25 रन खर्चते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को उनके इसी प्रदर्शन के चलते मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।